नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी में स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करूंगा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करूंगा कि कैसा, जो फर्स्ट स्लॉट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम कैसा आया और किस मॉडरेट था कि इजी था या डिफिकल्ट था, तो और पूरे क्वेश्चन कैसे कैसे किस टाइप के आए थे। तो पूरा इस पर अगर आपको शॉर्ट टाइम में अगर एनालिसिस चाहिए, अगर आधे आधे घंटे के वीडियोज़ ना देखना चाहते हैं तो आप ये इस वीडियो को देख लीजिए। बहुत कम मिनट में आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, क्या क्या चीज़ पर टाइम देना है ज़्यादा आपको। तो देखिए, सिंपल सी बात है, रीजनिंग का जो पेपर था, देखिए पूरा ईजी टू मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, ईजी टू मॉडरेट था। आप अटैम्प्ट अच्छा कर सकते हैं रीजनिंग में। आप 27 टू 32 अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ये अच्छे अटैम्प्ट माने जाएंगे, और ऐसे क्वांट में 26 टू 30 है, मतलब ये आपके अच्छे अटैम्प्ट हैं। टोटल आप 60 से 65 करते हैं तो क्वेश्चंस अच्छे हैं और इतने में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। तो आपको इतना अटैम्प्ट करके आना है, मतलब कम से कम आपको 60 प्लस तो करना ही करना है हर हाल में, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी लगभग कैटेगरी की। तो मैं जनरल की बात करता हूँ, थोड़े बहुत उसमें कम हो सकता है। ठीक, तो अब मैं बात करता हूँ कि सब में सेक्शन वाइज में क्या क्या आया था। तो देखिए, रीजनिंग में पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट 20 मार्क्स की आई थी, जिसमें दो पज़ल थे और दो सिटिंग अरेंजमेंट थे। तो पज़ल जो थी वो बॉक्स बेस्ड थी और एक मंथ बेस्ड थी पज़ल। तो 20 नंबर की तो आपकी पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट आएगी। स्लॉग आपके 3 नंबर के आ गया। ब्लड डायरेक्शन का एक क्वेश्चन आया था। कोडिंग डिकोडिंग 5 और न्यूमेरिक सीरीज 5 आई थी। डायरेक्शन सेंस 4 नंबर के, और अल्फ़ाबेट पे जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर के आए थे। सही है, अब बात करते हैं क्वांट के वाले सेक्शन की। तो क्वांट में देखिए, डीआई जो आई थी वो 10 नंबर की आई थी, जिसमें एक केसलेट डीआई भी थी। ठीक है, तो आपको केसलेट डीआई अगर आपको नहीं आती है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि केसलेट डीआई अधिकतर एग्ज़ाम में आएगी। आज तो जिनका एग्ज़ाम है उनके में तो ज़रूर आएगी, भले कल आया ना है, लेकिन आज तो पक्का आएगी अधिकतर लोग के एग्ज़ाम में, जितने चांसेस है। जैसे अभी आरआरबी पीओ वाले में पहले दिन आई थी तो सब में आई थी। और सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर के आए थे, मिसलेनियस 10 नंबर के आए हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के लिए इसलिए आप प्रिपेयर करके जाइए, आप मिसिंग नंबर सीरीज़ मत चाहिए, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही आ रही है। इस बार पूरे पैटर्न ही रॉन्ग नंबर सीरीज़ की कर रखी है। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, क्वालिटी इक्वेशन क्लर्क में नहीं पूछी जाती है और अधिकतर नहीं पूछी जाती है, तो देखिए इस बार आई भी नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे। तो ये रहा मेरी तरह से पूरा एनालिसिस, और जैसे जैसे एग्ज़ाम होंगे जिन जिन शिफ्ट के, उनका मैं एनालिसिस लेके आऊँगा। और आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। सही है, तो ऐसे बने रहिए और अपनी प्रिपरेशन करिए ज़्यादा।